दोस्तों जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों कल 23 मार्च था और 23 मार्च के दिन बिहार में सबसे ज्यादा भौंकने वाले पत्रकार, जिसे हम आतंकवादी पत्रकार भी कह सकते हैं, यह खुद को पत्रकार जरूर मानता है लेकिन मैं इसे एक गुंडे से ज्यादा कुछ भी नहीं मानता हूं, वो भी दो कौली का गुंडा जो खुद दूसरों की रेलाई और पिलाई करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं उनको डराने का प्रयास करता है लेकिन जब वही बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करता है तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च को एक राजनीतिक पार्टी का, माफ कीजिएगा, छोटी सी राजनीतिक पार्टी का छुट भैया नेता आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बिहार बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि दो चार दुकानों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी दुकानें बिहार के अंदर बंद नहीं थी, यानी कह सकते हैं कि बिहार बंद पूरी तरह से विफल नजर आया बिहार के अंदर। और हो भी क्यों ना, जनता ने इस बिहार बंद में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिखाया और ना ही बिहार की जनता इसमें शामिल हुई। और शामिल क्यों होगी, आखिर कौन है मनीष कश्यप, ऐसा कौन सा महान कार्य करने के बाद ये मनीष कश्यप जेल में गया है? क्या भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जिसके वजह से बिहार की जनता बिहार बंद में इसका समर्थन करती? वो भी दोस्तों बड़े ही हंसने की बात है, इन सारे लोगों ने बिहार की धरती चंपारण से बिहार बंद की घोषणा की, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे चंपारण महात्मा गांधी के लिए जानी जाती है, महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई की शुरुआत इसी चंपारण से की थी। लेकिन दोस्तों ये लोग जो मनीष कश्यप के समर्थन में चंपारण से शुरुआत कर रहे हैं, वही मनीष कश्यप अपनी वीडियो में महात्मा गांधी को गाली देता हुआ नजर आ रहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, यानी राष्ट्रपिता को गाली देता हुआ नजर आ रहा था यह मनीष कश्यप। और इसी मनीष कश्यप के समर्थन में उसी चंपारण की भूमि से आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की जनता का, जिन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, सिर्फ दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए, यानी कि मनीष कश्यप के दो चार जो समर्थक होंगे उनके अलावा, जो तेजस्वी यादव और राजद से नफरत करते होंगे उन लोगों के अलावा, और जो छुट भैया नेता है आशुतोष कुमार, इसके समर्थकों के अलावा आम जनता ने बिल्कुल भी इस बिहार बंद में मनीष कश्यप का समर्थन नहीं किया है। और जो लोग मनीष कश्यप का समर्थन भी कर रहे हैं, आप जानते हैं मनीष कश्यप का समर्थन ये लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप एक बहुत ही अच्छा पत्रकार है, इसलिए नहीं कर रहे कि मनीष कश्यप गरीबों की आवाज को उठाता है, इसलिए नहीं कर रहे कि मनीष कश्यप सच दिखाता है, बल्कि मनीष कश्यप के समर्थन करने के पीछे उसकी जाति का हाथ है। जी हां दोस्तों, यहां पर जाति के एंगल के वजह से मनीष कश्यप का समर्थन किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं आशुतोष कुमार अपने आप को भूमिहार नेता बोलता है, भूमिहारों का खुद को नेता बताता है, और मनीष कश्यप, इसका नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी, यह खुद भूमिहार जाति से आता है और इसीलिए यह भूमिहार नेता आशुतोष कुमार मनीष कश्यप का समर्थन कर रहा है। हम जब तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर देते हैं, अखिलेश यादव का सपोर्ट कर देते हैं, सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट कर देते हैं, किसी भी ऐसे शख्स का सपोर्ट कर देते हैं जिसके नाम के पीछे यादव लगा हो, तो हमारे ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन यहां पर मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आता है, आशुतोष कुमार भूमिहार जाति से आता है, और सिर्फ आशुतोष कुमार के द्वारा ही मनीष कश्यप का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर कोई भी नहीं कहेगा कि जातिवाद के वजह से मनीष कश्यप का समर्थन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनीष कश्यप को फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड में कोर्ट ने भेज दिया है। यह रिमांड जब खत्म हो जाएगी उसके बाद तमिलनाडु की पुलिस भी बिहार में डेरा डाल के बैठी है। तमिलनाडु की पुलिस भी
मनीष कश्यप की रिमांड कोर्ट से मांगेगी और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे अपने साथ तमिलनाडु लेकर जाएगी। वहां पर भी 10-15 दिन मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ेगा, पुलिस पूछताछ करेगी। उसके बाद भी मनीष कश्यप कब छूटेंगे ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। खबर तो दोस्तों ये भी है कि बिहार पुलिस की पूछताछ के दौरान मनीष कश्यप ने कई बार बिहार पुलिस के अधिकारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने का काम किया है और इस पूरी पूछताछ के दौरान खान सर का भी नाम आ रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे खान सर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, टीचर माने जाते हैं, इनका भी नाम इस पूरे कांड के अंदर सुनाई दे रहा है और हो सकता है बिहार की पुलिस खान सर से भी पूछताछ कर सकती है। इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मनीष कश्यप और खान सर को लेकर काफी बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि मनीष कश्यप जैसे आतंकवादी पत्रकारों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा इसलिए होना चाहिए 302 का क्योंकि दो राज्यों में दंगा फैलाने की साजिश मनीष कश्यप की थी और ऐसे कुछ और लोगों की थी, इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। और खान सर के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये कोई अध्यापक नहीं है बल्कि ये एक अपराधी प्रवृत्ति के इंसान है, भाजपा से इनकी साठ गांठ है और बड़े ही षड्यंत्र के तहत भाजपा के कुछ नेताओं के साथ मिलके मनीष कश्यप बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा करने वाला था, बिहार में अस्थिरता पैदा करने वाला था, बिहार में दंगा करवाने वाला था जिससे बिहार सरकार की छवि खराब होती और चुनाव में भाजपा इसका लाभ उठाती। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भी गैर भाजपा सरकार है, तमिलनाडु में भी गैर भाजपा सरकार है। अगर इन दोनों राज्यों में किसी भी तरीके से दंगे होते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है और इसीलिए हो ना हो मनीष कश्यप के जरिए बिहार में दंगा कराने की साजिश भाजपा की थी। जाप नेता अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने क्या कुछ कहा है मैं चाहता हूं कि आप सुनिए। महात्मा गांधी तक को गाली दिया है इस व्यक्ति ने। महात्मा गांधी के गाली देने के बाद क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्योंकि पत्रकारिता जगत का सम्मान मुट्ठी भर कुछ अपराधी पत्रकार के चलते गिरी है, कुछ यूट्यूबर के चलते पूरे देश के पत्रकारों का सम्मान शर्मसार से झुका है। खान एक टीचर नहीं है, एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग बन चुके हैं और हमेशा विवाद में वो रहते हैं। कुछ यूट्यूबर्स के कारण जो अपराध के पैसे से और पूरे माफियाओं के पैसे से यूट्यूबर और सोशल मीडिया चला रहे हैं वह समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया। तो पर खान को इतना प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? बीजेपी क्यों खान के पीछे करेगी? और खान हमेशा नरेंद्र मोदी जी या अन्य लोगों को प्रोटेक्ट की बात कैसे करता है? जब पत्रकार जाति बन जाए, जब पत्रकार हिंदू मुसलमान हो जाए, दलित हो जाए, जब पत्रकार भगवान को बाइफर्केशन करके गाली गलौज शुरू कर दे तो क्या वो पत्रकार है? क्या ऐसे पत्रकारों की लाइसेंस रद्द नहीं होनी चाहिए? कि जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स जो आए हैं उनमें किनको सरकार के दायरे में रह के काम करना चाहिए, किनको एजेंसी लाइसेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सरकार एक कंप्लीट रूप से कानून बनाए। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेता पत्रकार लोगों को तवज्जो देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका भी पूरा कॉल डिटेल, उसकी पूरी की पूरी जांच। मैं बिहारियों को मरवाने की तैयारी थी बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। वो तो समझिए कि उन्माद कुछ ही क्षण में रुक गया, कुछ ही लोगों की जाने गई। तो इन लोगों पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। संगठन गलत तरीके से उन्माद पैदा, नफरत पैदा करके ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेता पत्रकार लोगों को तवज्जो देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है,
उसका भी पूरा कॉल डिटेल, उसकी पूरी की पूरी जांच मैं चाहता हूं। खास तौर पर तेजस्वी यादव जी से कहूंगा कि वो उनके मंच पर गए थे तो क्या उनकी जांच पूरी तरह होगी जो आज खून खराबा की बात बिहार में कर रहे हैं, और उसके पीछे पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, पूरी बीजेपी की भूमिका पूरा। तो आप सभी लोगों ने जाप अध्यक्ष पप्पू यादव जी की बात को सुना, आप सभी लोग इस पूरे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी सही हुई है या फिर गलत हुई है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बाकी यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वहां पर भी जाके मुझे फॉलो करें। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।